Hello aspirants, this is your very own channel, a faithful aspirant. So in this video we're going to talk about how to choose an optional. हम अपने ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना ऑप्शनल चूज़ किया और जो मैंने रिसर्च करी और बात करी उन लोगों से जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उन्होंने भी कौन से पैरामीटर्स को नज़र में रख के अपना ऑप्शनल चूज़ किया है. सो हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल विल बी टूडेज वीडियोज़ टॉपिक. तो वो हम देखेंगे. सबसे पहला चीज़ जो हमें नज़र में रखना है, सबसे पहली चीज़ में जो हमें रिसर्च करें, दैट इज़ आपने ग्रेजुएशन किस आस्पेक्ट में किया है, किस सब्जेक्ट में किया है. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके दो रीज़न्स हैं. पहला है आपका इंटरव्यू. चाहे आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो, इंटरव्यू में आपकी ग्रिलिंग उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड होगी. इट्स अननेसेसरी आपके ऑप्शनल के बारे में हो, दे हैव टू नो कि आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में सीरियस स्टूडेंट थे कि नहीं. दे विल गेट टू नो दैट. तो जो आपने ग्रेजुएशन की है, एक बारी उस सब्जेक्ट में भी आप एक बारी रिकॉग्नाइज कीजिए कि वो सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि उस सब्जेक्ट के साथ आपने अपने 3 साल स्पेंड किए, 4 साल स्पेंड किए. मे बी दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. और उस टाइम भी सोच समझ के ही ग्रेजुएशन करी होती है. तो टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन योर इंटरव्यू एज वेल. और आपके पास मटेरियल भी होता है 4 सालों का, 3 सालों का जो मटेरियल आपने गैदर किया होता है उस टाइम पे, वो भी आपको हेल्प करता है और एक आस्पेक्ट देता है और आपको पर्सपेक्टिव एक होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ हेल्पफुल. दूसरा है इंटरेस्ट. क्या आपको, अब अगर आपने एक ऐसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया जिसमें आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, देन थ्रो इट अवे. जस्ट चूज़ अनदर सब्जेक्ट और उसमें आप, जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स भी यही करते हैं कि वो उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट ऑप्शन नहीं लेते हैं जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, बट उस सब्जेक्ट को लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है. सो आप उस चीज़ में भी ऑप्ट कर सकते हो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा. तीसरा सब्जेक्ट है सिलेबस. आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उसका सिलेबस कैसा है. इज़ द सिलेबस कम है, ज़्यादा है, ईजी है, टफ़ है, आपको एनालाइज़ करना है. 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ देखने और उनका सब्जेक्ट जो है, उनका सिलेबस जो है वो एनालाइज़ करना है. पहले 2-3 सब्जेक्ट को आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, उसके बाद उनका सब्जेक्ट एनालाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उनको एनालाइज़ करना है और फिर अपना सब्जेक्ट चूज़ करना. और एक चीज़ मैं बोलूँ कि वो गलती कभी मत करना कि प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही नेवर चूज़ एन ऑप्शनल. थोड़ा टाइम आप जीएस के सब्जेक्ट्स को दे, 2-3 महीने आप जीएस के सब्जेक्ट को दे, उसके बाद आप अपना ऑप्शनल चूज़ करें. क्योंकि इन द हरी आप मटेरियल खरीदेंगे, चूज़ करेंगे, फिर दैट वॉन्ट बी ए फिजिबल चॉइस. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मटेरियल अवेलेबल. कितना मटेरियल अवेलेबल है वो सब देखना है कि कैसा मटेरियल अवेलेबल है, उसकी UPSC के रिलेटेड कोई मटेरियल है कि नहीं है, वो सब कुछ आपको देखना है. तो ये 4 आस्पेक्ट. कभी भी ऐसा मत देखिए कि प्रीवियस जो टॉपर्स है स्कोर कैसा आया है इस सब्जेक्ट को. इट डिपेंड्स आप कैसे इंडिविजुअल खुद हैं. बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शन लेते हैं, बहुत सारे लोग फिजिक्स एज ए ऑप्शन लेते हैं और टॉप करते हैं. तो दिस डजंट मैटर कि पीछे स्कोर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कैसे इंडिविजुअल आप हो और आप कैसे उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए. सो ये 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यू शुड चूज़ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उसको बस एक बार ही चूज़ किया. देखो 2 चीज़ें, दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग पॉइंट, दिस इज़ द डिसीजन एंड दिस इज़ आफ्टर डिसीजन. एक बारी कोई डिसीजन लिया, देन उस डिसीजन पे मुकम्मल रहिए और उस डिसीजन को पूरा क्रॉस कीजिए. उस डिसीजन के बारे में कुछ भी मत सोचिए, फिर बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए. ठीक है, हो गया ये. तो इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि मैंने कैसे अपना और कौन सा ऑप्शनल चूज़ किया. मेरा ऑप्शनल बॉटनी है और मैंने किन चीज़ों को रखा है दिमाग में ये ऑप्शनल चूज़ करने से पहले. 2 चीज़ें, मेरी जो ग्रेजुएशन है इट इज़ इन फॉरेस्ट साइंसेस, जिसको फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं. तो मेरी ग्रेजुएशन जो है इट इज़ BSc फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट साइंसेस में मैंने ग्रेजुएशन की है. अब फॉरेस्ट्री एज ए सब्जेक्ट जो है वो IAS में नहीं है. जब UPSC IAS के लिए ऑप्ट करते हैं उसमें नहीं होता है फॉरेस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, बट फॉरेस्ट्री एज ए सब्जेक्ट IFOS में है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपको 2 ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं. एंड आई हैव टू जो सब्जेक्ट जो मुझे फॉरेस्ट्री, तो मैं यहाँ पे लूँगा ही लूँगा, लेकिन मुझे दूसरा ऑप्शनल चूज़ करना है. मैं कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ओनली साइंस सब्जेक्ट्स आर अलाउड. तो मुझे कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो मुझे यहाँ पे भी हेल्प करेगा, यहाँ पे भी हेल्प करेगा. तो आई चोज बॉटनी.
बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, डिफ़िकल्ट है, बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और ये मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ थोड़ा लिंक्ड है, ठीक है, दैट इज़ वाई आई चूज़ इट, ठीक है, और इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड सो गुड कि आई कैन नॉट टेल यू. सेकेंड थिंग इज़ बाकी एग्जाम्स होते हैं, ACF के एग्जाम, असिस्टेंट कॉन्जर्वेटर फॉरेस्ट के एग्जाम होते हैं, रेंजर के एग्जाम होते हैं, तो उनमें भी ये बॉटनी मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. सो ये सारे पैरामीटर्स नज़र में रख के आई चूज दिस बॉटनी एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट. एंड यू ऑल्सो हैव टू पिक ऑल दी सब्जेक्ट्स. पहले तुम्हें देखना है कि ग्रेजुएशन में क्या लिया है, इंटरेस्ट तुम्हारा किस में है, उसका सिलेबस कैसा है, एंड वॉट इज़ द मटीरियल अवेलेबल. और इन सब चीज़ों को जब तुम देखोगे, देन यू विल पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. थैंक यू वेरी मच.